ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल मंत्रालय में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मिला, जहां ट्रांसपोर्ट और चेक पोस्ट संबंधित कई मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा में चेक पोस्ट बंद करने के विषय पर सर्वसम्मति से समिति बनाने का निर्णय हुआ है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मिलकर कई विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा, अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना मौजूद रहे। चर्चा में चेक पोस्ट बंद करने के विषय पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में राज्य की सीमा पर संचालित परिवहन चेक पोस्टों के संबंध में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त प्रवर्तन मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जो कुछ बिंदुओं पर कम से कम 3 माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। चर्चा में यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे मोटरयान जिनके द्वारा प्रचलित मोटरयान अधिनियम नियमों का पालन पूर्ण रूप से किया जा रहा है, उनको चेक पोस्टों पर निर्बाध रूप से आवागमन हेतु सुविधा दी जाए। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित परिवहन चेक पोस्ट के स्थान पर अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन परीक्षण कर गुण दोष के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। अनुशंसाओं के परिणाम स्वरूप प्रदेश पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार इत्यादि के संबंध में भी अनुशंसा प्रस्तुत की जाए। स्वतः ही प्रदेश में प्रचलित मोटरयान संबंधी विभिन्न अधिनियम नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ परिवर्तन व्यवस्थापन हेतु सुझाव प्रस्तुत किया जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।